everyone, Assalamualaikum. This is me, Tala Mughal. We are back in another vlog. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. तो अभी तक जिन्होंने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलेगा. तो काफ़ी दिन से आपका भाई काम पे नहीं जा रहा था तो आज निकला हूँ, क्योंकि काम था ही नहीं. तो आज निकला हूँ तो देखते हैं कि काम की क्या सूरत हाल है, तो आपके साथ भी भाई शेयर करेंगे. तो अभी मैं फर्स्ट राइड को पिक करने आया हूँ. 7 बजे से राइड देख रहा था, अभी मुझे राइड मिली है 9:15 पे. तो अभी राइड को पिक करने आया हूँ, तो दिखाता हूँ कौन सी राइड है और कहाँ ड्रॉप करना है. ये मुझे राइड मिली है केरल रोड से पिक करना है और फैज़ाबाद जाना है और टाइम 9:15. तो अभी राइड मिली है जाके मुझे 2 घंटे बाद. तो आजकल ये काम के हालात हैं, 2 घंटे बाद अभी जाके राइड मिली है. तो अभी देखते हैं फैज़ाबाद हमें कितने बजे राइड मिलती है. राइड को मैंने ड्रॉप किया है 9:27 पे फैसल मूवर पे फैज़ाबाद I-8 के पास. सामने स्काईवेज है तो अभी देखते हैं जी नेक्स्ट राइड. तो फर्स्ट राइड को फैज़ाबाद ड्रॉप कर दी है मैंने 9:28 पे. तो अभी हम यहाँ से देखते हैं हमें नेक्स्ट राइड कितनी देर बाद मिलती है और कितना टाइम यहाँ पे वेट करना पड़ता है, ये भी आपको बताऊँगा. मुझे राइड मिली है डेवो टर्मिनल से, जाना है एक्सेल लैब ब्लू एरिया और टाइम हो रहा है 9:38. तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने और फिर हम जाएंगे जी ब्लू एरिया. राइड को मैंने ड्रॉप किया है 9:53 पे ब्लू एरिया एक्सेल लैब. तो अभी वो बोल रहे हैं हमने ग्रीस एम्बेसी भी जाना है तो आप वेट कर लेंगे. तो करते हैं वेट, क्या कर सकते हैं. अच्छा हुआ था कि फैज़ाबाद से हमें बड़ी जल्दी राइड मिल गई, नहीं तो फैज़ाबाद काफ़ी देर वेट करना पड़ता है. तो आज राइड मिल रही है. तो अभी ये गए अंदर से रिपोर्ट लेने और इसके बाद इनको मैंने ड्रॉप करना है ग्रीस एम्बेसी. तो फिर वहाँ से राइड देखेंगे हम. इनको मैंने आके ड्रॉप किया है 10:04 पे ग्रीस एम्बेसी. तो अभी हम यहाँ से देखते हैं जी नेक्स्ट राइड हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है. अभी 10:04 हो रहे हैं तो देखते हैं कितनी देर बाद राइड मिलती है जी. तो राइड मुझे वहाँ से मिली थी सेंटोरस की ब्लू एरिया से. इनका बिल था 363, तो इन्होंने मुझे 500 दिया है. तो राइड को हम कर देते हैं यहाँ पर एंड. तो अभी हम पार्किंग में खड़े हो जाते हैं और फिर देखते हैं जी राइड हमें कब मिलती है. ये रहा जी आपका सेंटोरस मॉल, सेंटोरस. अभी नजर आएगा. तो ब्लू एरिया में काफी वेट करना पड़ा है, वहां से राइड मिल ही नहीं रही थी. तो अभी इधर आ गए, तो अभी यहाँ से देखते हैं हमें कितनी देर बाद राइड मिलती है. जल्दी मिल जाए तो क्या ही बात है, मजा आ जाएगा. अभी मुझे पिम्स से राइड मिली एयरपोर्ट सोसाइटी की 6:40 में. तो ये है जी पिम्स हॉस्पिटल. तो अभी मैं आ गया, वो आते हैं तो फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट सोसाइटी. मुझे राइड मिली एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से ही, इनको लेके जाना है फैज़ाबाद और टाइम हो रहा है 12:43 और राइड मिली है 6:54 की. बोनस भी है 116 रुपये. गर्मी बहुत है सरकार, गर्मी बहुत है. और इस गर्मी में जो है ना काम भी अच्छा होना तो फिर ही बात है. काम इतना अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी मुझे आए हुए 20 मिनट हुए हैं, अभी जाके राइड मिली है. तो बस ये है कि अब देखें क्या होता है. राइड मिली है इधर से ही, जाना है ब्लू एरिया 5:50 में. तो अभी टाइम हो रहा है 1:24, इनको उधर ड्रॉप करते हैं. अच्छा, तो अभी जो ब्लू एरिया राइड में लेके आया हूँ तो ये बोल रहे हैं हमने वापस भी जाना है तो आप हमें वापस ड्रॉप कर दीजिएगा. तो मैंने बोला चलें सही है, राइड तो वैसे नहीं आ रही तो आपको ड्रॉप कर दूँगा. तो अभी वो तहजीब गए हैं तो वो वहाँ से आते हैं फिर उनको मैंने करना है ड्रॉप. अभी टाइम 1:44 हो रहे हैं, गर्मी भी इतनी है क्या बताऊँ आपको, हवा भी नहीं चल रही. तो चलें देखते हैं जब वो आते हैं तो फिर चलते हैं, तब तक हम राइड देखते हैं, कोई अच्छी राइड मिल गई तो निकल जाएंगे. अच्छा, तो मैंने आके इनको ड्रॉप कर दिया है 2:15 पे. तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है. हाय, काफ़ी गर्मी आज, राइड नहीं आ रही, दूर दूर से आ रही हैं, अब बंदा क्या करे. अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ब्लेस इन रेस्टोरेंट, और होटल भी है और ये रेस्टोरेंट भी है. तो ये सीन है जी. राइड मुझे अभी मिल गया ये 8 से, इनको जाना है जिन्ना टाउन. तो टाइम हो रहा है 2:21. तो चलें जी इनको पिक करते हैं और निकलते हैं. तो अभी आके मैंने राइड को ड्रॉप किया है, टाइम 3:22 हो रहे हैं, क्योंकि फैज़ाबाद पे आधा घंटा रोड ब्लॉक था तो कोई प्रोटोकॉल लगा हुआ था, इस वजह से रोड ब्लॉक था. तो अभी आके ड्रॉप किया है तो अभी चल के छाँव पे खड़े होते हैं, देखते हैं राइड हमें कहाँ की मिलती है. अभी राइड मिली है
गौरी टाउन से ही कुलसुम हॉस्पिटल जाना है। एसी वाली राइड है 12:20 में, तो टाइम हो रहा है 3:29। तो चल इनको पिक करते हैं और निकलते हैं। अभी मैं हूँ गौरी टाउन में, राइड को मैंने ड्रॉप किया है 4:16 पे कुलसुम हॉस्पिटल। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट राइड, देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप इधर ही हुए तो आप हमें वापस भी ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इनका जो फेयर था वो था 1220 रुपीज़, तो इनसे मैंने 1300 लिए क्योंकि इन्होंने मुझे वेट भी करवाया, तो इस वजह से वेटिंग चार्जेस लिए मैंने 80 रुपीज़। तो अच्छा, आपको याद हो कि मैंने सुबह एक राइड की थी जो मैं उनको फैज़ाबाद से ब्लू एरिया लेके आया था, वहाँ से फिर ग्रीस एम्बेसी गया था, 500 वो है। और उसके बाद फिर मैं एक फैज़ाबाद से ही मैं एक राइड लेके आया था, अल्लाह आपको भला करे, ब्लू एरिया में तहजीब पे, तो वापस उनको ले गया था। उनसे मैंने वापसी पे 600 लिए थे, आते हुए उनके 550 थे, जाते हुए 600 लिए थे। तो 1100 ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अभी देखते हैं जी नेक्स्ट राइड हमें कब मिलती है। वैसे फेयर तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिल गई तो निकल जाएंगे, नहीं तो इनका इंतज़ार करेंगे। और टाइम 4:19 हो रहे हैं। अच्छा, तो वो फ्री हो गए हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने और पिक करके फिर जा रहा हूँ घोड़ी टाउन। ये आजकल काम सही है भाई, उनको पिक करो उनको ही वापस ड्रॉप करो। राइड मिल ही नहीं रही भाई, क्या करे बंदा। तो राइड को मैंने घोड़ी टाउन आके ड्रॉप कर दिया है और ये है घोड़ी टाउन की गलियाँ। ये फेज 7 वाली साइड पे है तो टूटी फूटी हैं थोड़ी सी, तो ड्रॉप कर दिया है। तो इनसे मैंने 1300 ही लिए, जो जाने के पैसे थे और भरने के वो ही लिए, क्योंकि वहाँ पे राइड तो मिल नहीं रही थी, राइड में देख रहा था। तो मैंने बोला चलो यही अच्छी राइड है, इनको ही वापस ड्रॉप करते हैं। तो अभी यहाँ से राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है, तो आपको बताता हूँ। और टाइम आपको बता दूँ, टाइम अभी हो रहा है 5:31, तो देखते हैं क्या सीन होता है। राइड मिली है गौरी टाउन से ही 5:48 की, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी ड्रॉप करना है, 4:15 में राइड मिली है। तो चलें चलते हैं उनको पिक करते हैं। राइड को मैंने ड्रॉप किया एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 6:14 पे। तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। अभी राइड मिल गई है जी मुझे, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से ही मिली है, जाना जॉय लैंड 6:50 में और टाइम हो रहा है 6:36। ओके, ये है जी जॉय लैंड, राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया 7:07 पे। तो अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। जा रहा था राइड को पिक करने, तो रश आप देख सकते हैं यहाँ पे जीटी रोड पे रश बना हुआ है। तो अब बंदा क्या कर रहे है? तो बस इधर 2 मिनट बता रहे मैप। राइड को मैंने सुहाग गार्डन में ड्रॉप की 7:54 पे। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं घर की राइड हमें मिलती है या नहीं, या खाली जाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं सारी फजूल राइडें आ रही हैं और कितनी कितनी दूर से राइडें आ रही हैं, कब से यही सीन स्क्रीन चल रही है, पास से कोई राइड नहीं आ रही, टाइम 8 बज गए। तो ये काई है PWD की, और ये भी देखें कहाँ से पिक करना और कहाँ ड्रॉप करना है, फिर कर देते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो चले जाएंगे। तो टाइम 8 बज गए, नहीं देखें नहीं हुई, तो फजूल में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अब चलते हैं घर, थक गए हैं काफ़ी, तो चलते हैं अब घर। हम यहाँ से डलवाएंगे जी पेट्रोल, पेट्रोल डला है 4800 का, 18.01 लीटर। तो गाड़ी मेरी चली है 345 किलोमीटर, तो इसमें मैंने जो खुद इस्तेमाल की हुई थी वो की हुई थी 145 किलोमीटर, तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। एवरेज क्या दे रही है, 18.7 की दे रही है। अच्छा, मेरी आज की इन ड्राइव की जो अर्निंग हुई है वो ये 7,067 रुपीज़, कमीशन निकालें 5,090 रुपीज़, तो जो अर्निंग होती है वो होती है 6,477 रुपीज़। और इसमें 1100 ऐड नहीं है और 1300 ऐड नहीं है। तो मेरी जो टोटल अर्निंग हुई है वो आपको शो करवाइए जो इन ड्राइव पे हुई है, इसमें 1100 ऐड नहीं थे और इसमें 1300 ऐड नहीं थे, और बाकी भी 200 मुझे कुछ कस्टमर ने एक्स्ट्रा दिया था, वो 200 टोटल बनते हैं। तो ये सारे अगर प्लस करें तो अमाउंट बनती है 9,077 रुपीज़। तो इसमें से अगर माइनस करें 4,800 का पेट्रोल, तो जो इसमें कीमत बचती है वो बचती है 4,277 रुपीज़।
तो 500 गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल दें तो फिर जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 3,777 रुपीस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमारा अच्छा रहा। इसमें ये है कि प्रॉफिट कम इसलिए, ये भी कम इसलिए हुआ है 165 किलोमीटर गाड़ी मैंने खुद यूज़ की हुई थी, 2-3 दिन में घर में कभी इधर उधर जाना आना तो वो मैंने यूज़ की हुई थी, तो वो अगर ना यूज़ हुई भी होती तो प्रॉफिट आज अच्छा होना था। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 3,777 रुपीस भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनफ है। तो आज वैसे काम ज़्यादा किया है तो चले कोई नहीं, तो ये सीन है। तो ओके गाइस, आज का भी लोग करते हैं यहाँ पे एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।